हेलो स्टूडेंट्स आज हम बीएससी एस सी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें यूवी स्पेक्ट्रा क्या होता है इसमें कौन कौन सी टर्म्स हम यूज में लेते हैं और इसकी क्या एप्लीकेशंस है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे तो आज हम इस फर्स्ट पार्ट में जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कस करने जा रहे हैं आप सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या अर्थ है आप क्या समझते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद लाइट ये विज्ञान का वो शाखा है जिसमें हम जो मैटर है पदार्थ है पदार्थ का मैटर के साथ मैटर का लाइट के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है उसका अध्ययन जिनके अंतर्गत किया जाता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है और वी कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकर्णों का पदार्थ के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो विज्ञान की शाखा स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानी जाती है बेसिकली हम क्या करते हैं सपोज uh, कोई कंपाउंड को हमने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया है तो उसका हमें करेक्टराइजेशन करना होता है उसकी पहचान करनी होती है तो उसकी पहचान करने के लिए हम कई प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स हम काम में लेते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं जो कि हम कंपाउंड्स के करेक्टराइजेशन के लिए उसकी पहचान के लिए काम में लेते हैं तो उसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे तो अब इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ जनरल टर्म्स हम यूज में लेते हैं पहले उन जनरल टर्म्स को डिफाइन करके और फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पार्ट पे आएंगे तो सबसे पहले लेते हैं विद्युत चुंबकीय है, विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन्स क्या होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेज ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड फोटोन्स ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो फोटोन के रूप में होती हैं अब ए फोटोन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर जो हैं उसमें एक ऑसिलेटिंग विद्युत क्षेत्र भी होता है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक क्षेत्र भी होता है चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और जो कि आपस में परस्पर लंबवत आपस में होते हैं तो इसमें ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शो कर रखा है इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनेटिक फील्ड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टूच अदर ये डायरेक्शन है waves का. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रीन कलर वाले शो कर रखा है और पर्पल -पर कलर से जो शो कर रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ साथ में और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये प्रकाश की जो गति होती है उस गति के साथ मूव करते हैं द वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट अब इसमें कुछ और टर्म्स हैं जो कि हम काम में लेते हैं सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन ऑसिलेट इन वन सेकेंड एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली जो तरंगों की संख्या है वो फ्रीक्वेंसी के नाम से जानी जाती है और इस फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्स के रूप में होता है अब इसके बाद वेवलेंथ या तरंग दहधरी जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्ट ऑफ वेव्स इन सेम फेज दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ जैसा कि हम जानते हैं जो वेव्स होती है उनका ड्यूअल नेचर होता है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर तो अब वेव नेचर में जो दो उच्च बिंदु या दो निम्न बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी जो है वो तरंग देधरी या वेवलेंथ कहलाती है जिसकी यूनिट जो है वो एंगस्ट्रॉम या मीटर या सेंटीमीटर के रूप में हम देते हैं तो ये वेव्स दे रखा है तो इसमें दो उच्चतम बिंदु या दो निम्नतम बिंदु इनके बीच की ये जो दूरी है इस दूरी को हम तरंग या वेवलेंथ के नाम से जानते हैं तो ये है वेवलेंथ इसी तरह से एनर्जी जो है एनर्जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ये क्वांटाइज होती है और फोटोन के फॉर्म्स में ये मूव करती है और एनर्जी को हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है या एच सी अपॉन लेमडा के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कई अलग अलग तरह की होती है और वो आ, जो है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रा रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स के रूप में जानी जाती है और इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो अलग अलग हैं उनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी का मान जो है वो अलग अलग होता है जो कि यहां पर इस तरह से दर्शाया गया है अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या होता है What is the uh, basic principle of spectroscopy? The principle is based on the measurement of a spectrum of a sample containing atoms or molecule. Uh, जो principle है उसमें हम क्या करते हैं जो basic sample uh, है जिसमें कि कोई भी particular atom या molecule present है उसका spectrum हम प्राप्त करके और उस spectrum का study करते हैं वो spectroscopy कहलाते हैं। अब spectrum क्या है? A spectrum is a graph of intensity of absorbance or emitted radiations by sample versus frequency or wavelength. हम क्या करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट यूज में लेते हैं और उसमें इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट और इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो जो ग्राफ प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है और स्पेक्ट्रम की स्टडी जिसके अंतर्गत करते हैं वो जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है स्पेक्ट्रोमीटर अब क्या है स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड जो स्पेक्ट्रम है उसको मेजर करने के लिए जो हम उपकरण या इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं वो स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से जाना जाता है अब इसमें जो पदार्थ है ए, उसका यदि हमें स्पेक्ट्रम लेना है तो वो स्पेक्ट्रम दो स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में विभाजित किया जा सकता है एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि स्पेक्ट्रा जो है वो दो प्रकार के होते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा ये है अवशोषण स्पेक्ट्रा एब्जॉर्बन यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रा और एमिशन यानी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा अब इसमें बेसिकली क्या होता है सपोज एक सिंपल ट्यूब है उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो डाली जाती है तो उसका जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरेक्शन होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कुछ वो पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ ट्रांसमिट कर लेगा फिर ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर डिटेक्टर से डिटेक्ट करने के बाद इसको एक रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और ये जो रिकॉर्डर से रिकॉर्ड प्राप्त होता है ये स्पेक्ट्रा कहलाता है इसको फिर हम एनालाइज करते हैं तो अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की यदि हम बात करें एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो उसमें क्या होता है जब हम किसी पदार्थ को पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इंपोज करते हैं या ऊर्जा दी जाती है तो उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं और फिर ये विकिरण जो उत्सर्जित हो रही है वो डिटेक्टर से डिटेक्ट कर ली जाती है और फिर डिटेक्ट होकर के उसको रिकॉर्डर में जाकर के रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रा होता है ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है और इस एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है पदार्थ का जो अणु है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है जो पदार्थ के अणु है उसमें अड़ु में हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की ओर ट्रांसफर होता है तो एन एनालिटिकल टेक्निक इन एमिशन डिस्पर्ड अकॉर्डिंग टू तो सम प्रॉपर्टी ऑफ द एमिशन एंड द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन इज मेजर्ड तो ये जो स्पेक्ट्रा है ये एमिशन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है जिसका उदाहरण जो है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है अब इसके बाद एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है इसमें पदार्थ में से जब विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारते हैं यह पदार्थ है इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब गुजारा जाता है तो इसमें से कई विकिरण पदार्थ के अणु के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और केवल कुछ ही किरणें जो है वो वापस इसमें से निकलती हैं और जो वापस किरणें निकल रही है इनको डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर डिटेक्ट करके इसको रिकॉर्डर में भेज दिया जाता है जहां पर कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो इस केस में जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रा जो है एब्सॉर्बन स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है तो इसमें जो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा है ये इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा आई आर स्पेक्ट्रा वगैरह आते हैं और इस यूवी स्पेक्ट्रा के बारे में हम इस चैप्टर में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे अब इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर अब क्या होता है एट रूम टेम्परेचर द मॉलिक्यूल आर इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ई जीरो सपोज एक कोई सैंपल हम ले रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल ई जीरो में होते हैं व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी विजिबल लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वन ऑफ द आउटर मोस्ट बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट सच एस ई वन ई टू ई एन एटसेट्रा जब कोई भी पदार्थ का अणु जो है उस पर यूवी रेडिएशन हम इम्पोज करते हैं यूवी रेडिएशन जो है उनकी ए, क्या फ्रिक्वेंसी होती है वो दो सौ से चार सौ नैनोमीटर जो है वो यूवी रेस कहलाती हैं और चार सौ से आठ सौ जो है वो विजिबल रेस कहलाती हैं ये रेंज है यूवी का और विजिबल का Uh, 200 से 800 नैनोमीटर तक की रेंज जो है यूवी और विजिबल रेंज के अंतर्गत आती है तो जब uh, कोई भी पदार्थ जो है वो यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो जो उसके आउटर मोस्ट बॉन्ड या लोन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट हो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल में एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड द डिफरेंस इज एज डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस है उन दोनों लेवल के बीच में वो डेल्टा ई e है इसको एच न्यू या ई एन माइनस ई जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं जहां एन जो है वो वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है अब जब हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पदार्थ को दे रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में भी चेंज होता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंज होता है और इसके साथ साथ में रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंज होता है पर यहाँ पर हम जो यूवी में डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है इंपॉर्टेंट है अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में भी कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकते हैं क्योंकि सपोज यदि कोई आ ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई भी सैंपल है उसमें मॉलिक्यूल जो है उसमें कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह में एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में एक लेवल से दूसरे लेवल में तो इसमें केवल हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में ही बात करेंगे अब यहां पर कुछ के नियम एब्जॉर्ब उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जैसा हमने डिस्कस किया कि यूवी रीजन जो है वो 200 से 400 सौ नैनोमीटर के बीच में होता है विजिबल रीजन जो है वो 400 से 800 सौ नैनोमीटर के बीच में होता है और 200 नैनोमीटर से नीचे जो है वो वैक्यूम यूवी रीजन कहलाता है और उसका हम अध्ययन जो है वो इसमें यूवी स्पेक्ट्रा में नहीं करता है इसमें जो एब्जॉर्ब है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में वो यूवी विजिबल रीजन में होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक कॉन्जुकेशन ये जो यूवी स्पेक्ट्रा है वो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम और एरोमेटिक कॉन्जुगेशन के अध्ययन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेडिएशन ओनली विद पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी विल कॉज एक्साइटेशन जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ही उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो होता है क्योंकि वह डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल डेल्टा ई पर तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो ही जो है एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का करती है अब क्योंकि ये स्पेक्ट्रोस्कोप ही है तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट फॉलो सर्टेन एब्जॉर्बशन लॉज कुछ एब्जॉर्ब्शन के नियमों का पालन करती है एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसमें पहला जो नियम है वो लैम्बर्ट का नियम है अब इसमें पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम क्या करते हैं कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है उससे लाइट जनरेट होती है उसको एक सेल जिसमें कि सैंपल प्रेजेंट होता है उस सेल में सैंपल जिसमें होमोजीनियस फॉर्म में समांगी मिश्रण के रूप में होता है उसमें हम ये सोर्स ऑफ लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इसपे इम्पोज करते हैं अब ये जो पदार्थ इस सेल में प्रेजेंट है इट टैप्स सर्टेन रेडिएशन और कुछ को ये ट्रांसमिट कर देता है जिसको फिर रिकॉर्डर में से रिकॉर्ड करके और फिर उसको एनालाइज किया जाता है अब लेम्बर्ट लॉ क्या कहता है वैन ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू ए सोल्यूशन जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को हम किसी विलियन में से पास करते हैं तो द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ये सपोज इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है आई जीरो और पर्टिकुलर वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उस ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी जो है वो आई है तो इस लेम्बर्ट का नियम क्या कहता है कि द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ये जो इंटेंसिटी में कमी हो रही है रेडिएशन की विद थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन मींस दिस लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब सैम्पल सैंपल ट्यूब का जो लेंथ है या थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कितनी कमी हो रही है ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर आपतित किरण जो है उस आपतित किरण की तीव्रता पर निर्भर करता है एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम जितना एब्जॉर्बिंग मीडियम का थिकनेस ज्यादा होगा ये सेल जो है जिसकी थिकनेस जितना ज्यादा होगा जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी होगा वो उतना ही ज्यादा होगा तो ये जो है ये लैम्बर्ट के नियम के नाम से जाना जाता है कि जब किसी सैंपल में से मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन को पास किया जाता है तो उसमें जो तीव्रता में कमी होती है वो तीव्रता में कमी जो है वो आपतित किरणों की तीव्रता और थिकनेस ऑफ एब्जॉर्विंग मीडियम के प्रोपोर्शनल होती है समानुपाती होती है ना इफ आई बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एक्स बी द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन जो थिकनेस सॉल्यूशन की एक्स है और इंसिडेंट uh, रेडिएशन की इंटेंसिटी आई है तो उस केस में क्या होगा डी माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रपोर्शन टू आई यानी कि इंटेंसिटी में कमी जो है इस एक्स के साथ वो प्रोपोर्शनल होगी किसके इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आपतित किरणों की तीव्रता के समानुपाती होगी अब यहां पर इसको हमने प्रपोर्शन फैक्टर हटा करके कांस्टेंट लगा दिया और फिर इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने पर फाइनली ये वाली समीकरण जो है वो हमें प्राप्त होती है या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं लॉग आई जीरो में लिखा जा सकता है जो रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट उसका रेशियो जो है वो एब्जॉर्बेंट के नाम से जाना जाता है तो एब्जॉर्बेंस जो है वो एब्जॉर्बिंग कोफिशियंट इन टू एल यानी कि लेंथ ऑफ ट्यूब इसके प्रोपोर्शनल होता है ये तो है का अब सेकेंड इसमें आता है बीयर्स लॉ अब बियस लॉ क्या कहता है ए ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज थ्रू सोल्यूशन द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद द थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन जब हम कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को किसी सैम्पल में से पास कर रहे हैं तो उसकी तीव्रता में जो कमी होती है वो थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन के साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करती है जो सैंपल सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उस सैंपल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसमें जो सैंपल ट्यूब जिसको हम सेल कहते हैं इसमें इसकी सांद्रता क्या है उसके समानुपाती होगा सांद्रता हम उसकी जितनी ज्यादा लेंगे उतना ही इंटेंसिटी में जो कमी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम एब्जॉर्बिंग मीडियम का जो कंसंट्रेशन है उसके समानुपाती होता है या इसको इसको हम हम सकते हैं D I upon D X, यानि कि में में जो कमी हो रही है के साथ और और आगे हम solve करके इस रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं <coughs> And lastly, जब हम बियर लॉ और लॉ दोनों को मिलाते हैं तो उस केस में ए इज इक्वल टू एफ साइलॉन इंटू सी इंटू एल जहां पर ए क्या है एब्जॉर्बेंस है एप्साइलोन क्या है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशियंट है सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन है एल क्या है लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब है तो ये जो है ये बियर लैम्बर्ट लॉ दोनों का कंबाइंड फॉर्म के फॉर्म में होता है

पार्ट में डिस्कस करेंगे थैंक यू